प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी मेहनत है, कितनी फर्टिलाइजर यूज है। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये है कि इतना जितना इसमें यूज है उसके बाद गन्ना हमारा डबल ग्रोथ करेगा। कहीं की ज्यादा गैप कर रहा हूँ भाई, और कहीं कहीं ज्यादा हो रहे हो भाइयों। राम राम, नमस्कार, कैसे हैं आप भाइयों? जुगाड़ू किसान में आपका स्वागत है भाइयों। आज हम आ गए गांव मेहमडी में। देखो भाई, नकुल भाई के यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती लगाने की तैयारी चल रही है। देख लो आप भाइयों किस तरह लगाई जाती है स्ट्रॉबेरी। ये हजारे से पानी दिया जा रहा है और आपको नकुल भाई से मिलवाते हैं। नकुल भाई कैसे हाल हैं? नमस्कार भैया, बढ़िया जी। और सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी, सब बढ़िया। अच्छा नकुल भाई, ये आप कौन सी खेती लगा रहे हैं? ये स्ट्रॉबेरी का हो रहा है। अच्छा, नकुल भाई पहली बार लगा रहे हैं? पहले लगाया था कभी? टाइम लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बारे में जानकारी नॉलेज वगैरह जैसे आपसे? ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत ही है। अच्छा अच्छा, हम इसे सह फसली में ले रहे हैं गन्ने के साथ में। अच्छा, बीच में गन्ना लगाएंगे? इसमें बीच में गन्ना लगाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी चार पाँच दिन के बाद जब ये ठीक हो जाएगा जी, पौधा अपनी जड़ पकड़ जाएगा, उसके बाद इसमें गन्ना लगवाएंगे, पौधा ही बनवा के। अच्छा, गन्ना पौधा बना के, गन्ने का पौधा बना के। अच्छा अच्छा, प्लस इस पर जो सिंचाई है वो सिंचाई माध्यम रहेगा इसका ड्रिप का। अच्छा, ड्रिप से? हाँ, ड्रिप से, क्योंकि नीचे गन्ना खराब हो जाएगा ज्यादा। अच्छा अच्छा, ऊपर ड्रिप का रहेगा इसका स्ट्रॉबेरी का। अच्छा, और नीचे गन्ने का भी हम ये सोच रहे हैं कि ड्रिप का ही रखेंगे। अच्छा अच्छा, गन्ना भी ड्रिप के द्वारा ही? गन्ना भी ड्रिप के द्वारा, और कम्प्लीट पूरे खेत में एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ही वो करने का विचार। नकुल भाई आप थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज़ हल्की हल्की आ रही है। इसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ही करने का विचार है। अच्छा, कम्प्लीट पूरे प्लॉट को इसे। अच्छा अच्छा, नकुल भाई ये जो आपने इसमें डोल बनाई है किस विधि के द्वारा, कैसे बनाई है इतनी? ये ट्रेंचर से बनाई है। अच्छा अच्छा, हमारा ट्रेंचर है। अच्छा, जिससे हम गन्ना लगाते हैं उसी ट्रेंचर से बना हुआ है। अच्छा, इसमें नीचे खाद वगैरह क्या क्या प्रोवाइड क्या क्या डाले आपने? जो नीचे आपने कूड़ी खाद डाला है इसमें। अच्छा, और जैविक खाद डाला है केंचुए का। जी जी जी, और आपका ये हो गया DAP हो गया। अच्छा, DAP, पोटास और सल्फर। अच्छा, और आपका बायर का रिजेंट। अच्छा नकुल भाई, ये वैसे खेती जो है कितने समय की है? ये भाई मार्च तक के लिए है। अच्छा, मार्च तक? हाँ, 5-6 महीने खेती होती है। अच्छा अच्छा, आप सर्दियों में गन्ना रुक जाता है बढ़ना, तो ये अपने उस टाइम तक चलता रहेगा। मार्च में गन्ना ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ लेगा, तो ये उस टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा नकुल भाई, थोड़े इधर आ जाओ। जैसे मान लो आपका गन्ना ऊँचा हो जाएगा जी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें स्ट्रॉबेरी में? गन्ना तो फरवरी मार्च तक तो बढ़ेगा ही नहीं, कम रहता है। अच्छा, हाँ, फरवरी से बढ़ना स्टार्ट होगा, तो फरवरी के आसपास गन्ने की जो है दूरी वो काफ़ी रहेगा, गन्ना इस सामने रहेगा, और यहाँ तक हमारा 1.5 फीट गैप बैठ रहा है इसका। अच्छा, यहाँ तक 1.5 फीट बैठ रहा है आपका? जो हमारा गैप है, गैपिंग सिस्टम है, वो 1.5 फीट है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसलिए गन्ने से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे। अच्छा, गन्ना जो बोएंगे आप सिंगल वाला बोएंगे, किस तरह वाला गन्ना बोएंगे? पौधा लगाएंगे। अच्छा, पौधा लगाएंगे आप? हाँ, पौधा तैयार करके लगेगा। अच्छा नकुल भाई, कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं आप गन्ने की? गन्ने की नई वैरायटी है। अच्छा, कौन सी वैरायटी है? अभी नाम तो डिस्क्लोज नहीं है। अच्छा अच्छा, बता रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नई वैरायटी ला रहे हैं बाहर से? और हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा नकुल भाई, आप ये बताओ जैसे कोई किसान भाई पौधा कहाँ से लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगा, कैसे? मिलने को हरियाणा में भी हैं। अच्छा, का उसमें हिमाचल से मिलते हैं और आपके पूना से मिलते हैं। अच्छा, ये हमने और बागेश्वर मिलते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र बागेश्वर से मंगाया वो पौधा। अच्छा अच्छा जी, नकुल भाई कितने रुपये पौधा मिला है? ये भैया आके बैठा है लगभग 9 रुपये पौधा, सारा मतलब सारी कॉस्ट जो है सारा लगा के 9-9.5 के आसपास लगाए। अच्छा, और इसका मतलब लगाई तक का जो हमारा वो रहेगा तो उसमें 12 रुपये के समथिंग एक पौधे की कॉस्ट बैठेगी सारा, मतलब लगाने के बाद सारा के बाद। अच्छा अच्छा, 12 रुपये पौधे की कॉस्ट बैठ जाएगी इसकी। अच्छा अच्छा, जैसे मान लो आपका पौधा लग गया हमारा जी, उसके बाद जैसे पॉलिथीन वगैरह पन्नी वगैरह बिछाते हैं इस पे? मल्चिंग करी जाएगी भैया पन्नी की। अच्छा, पन्नी की मल्चिंग करने के साथ ही जैसे इस पे मल्चिंग होगी उसी के साथ हम ये सोच रहे हैं कि गन्ने में मल्चिंग की जाए, जो जुताई खुदाई का सारा ही सिस्टम इस बार बंद करा देंगे। मतलब गन्ने पे भी पन्नी बिछवाएंगे? गन्ने पे पन्नी बिछवाएंगे। तो उससे ब्यांत कैसा होगा भाई गन्ने का? भाई गन्ने का जो ब्यांत होगा वो हम उसमें 4 इंच का गैप रखेंगे। अच्छा, पौधे का, और 1.5 फीट उसका गैप रहेगा, तो उसमें ना तो उसमें जुताई की टेंशन रहेगी ना खुदाई की टेंशन रहेगी। मतलब कहने का है कि आप सारे खेत को इसे पन्नी से ढक देंगे? इसे क्लोज कर देंगे। अच्छा अच्छा, सारा घास वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ जमेगा ना कुछ होगा, नलाई गुड़ाई की सब टेंशन खत्म। ये तो आपने नया दिमाग लगाया फिर इस बार तो कह रहा था कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे इसमें इस बार तो नया दिमाग लगाया।
और पानी भी ड्रिप के द्वारा दिया जाएगा इसे? दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ड्रिप से मतलब ड्रिप इरीगेशन और तरीके से लगाते हैं, मेरा ड्रिप का भी दूसरा सिस्टम रहेगा। अच्छा, मैं अपने ट्रैक्टर से जो मशीन होती है स्प्रे वाली, अच्छा उससे करना चाहता हूँ। वो है अपने पास? वो है अपने पास। अच्छा अच्छा, नकुल भाई लास्ट में जैसे खाद दवाई वगैरह क्या क्या इसमें डालते हैं? अभी तो लगा रहे हैं, अब देखते हैं क्या क्या रहेगा। अच्छा, फंगस वगैरह की ज्यादा बीमारी आती है वैसा कोई ऐसा होने, मतलब पहली बार लगा रहे हैं? पहली बार लगा रहे हैं। इसकी वैरायटी का नाम वगैरह कुछ? विंटर, कुछ विंटर के नाम से है। अच्छा अच्छा, अच्छी वैरायटी, मतलब पहली बार प्रैक्टिकली तौर पर देखना है। प्रैक्टिकली है। अच्छा अच्छा, क्या रहेगा और कोई जानकारी नकुल भाई किसान भाई को? भाई अभी जितनी जानकारी इसमें है उतनी बता सकते हैं, आगे क्या फायदा कोई चीज गलत बता दें, क्योंकि अभी शुरुआत की है। शुरुआत की है, नेक्स्ट ईयर बताएंगे इसका पूरा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी मेहनत है, कितनी फर्टिलाइजर यूज है। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये है कि इतना जितना इसमें यूज है उसके बाद गन्ना हमारा डबल ग्रोथ करेगा। इसमें गन्ने की डबल ग्रोथ होगी? डबल ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा फर्टिलाइजर तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी दवाइयों का जैसे फंगस की है और चीज़ें उसमें ज़्यादा यूज है। अच्छा अच्छा, तो नकुल भाई कोई बात नहीं, आप सब महीने दो तीन महीने के बाद फिर मिलेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे, जहाँ आपकी स्ट्रॉबेरी ऊंची हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उस समय तक सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, और गन्ना भी लगाना स्टार्ट, तब तक आपका गन्ना भी तैयार हो जाएगा। कोई बात, वो भी।